उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई। नगर पंचायत के चेयरमैन पर तालाब की जमीन कब्जा कर दुकानें बनाने का आरोप था, जिसे जिला प्रशासन के आदेश पर बुलडोजर से ढहा दिया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिसकर्मी भी तैनात रहे और दो बुलडोजर की मदद से सभी दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। अवैध कब्जे के इस मामले में कोर्ट में भी सुनवाई हुई। विधिवत रूप से न्यायालय में उनको सुनवाई का अवसर दिया गया, उसके बाद वो अपना जो पक्ष है वो साबित नहीं कर पाए, जिसके बाद बुलडोजर के जरिए सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से छुड़ा लिया गया। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी सेना ने क्राइमिया में ड्रोन से हमला कर पुतिन की कैलिब्र मिसाइलों के जखीरे को तबाह कर दिया। काला सागर के किनारे बसे यूक्रेन के इस हिस्से पर 2014 में पुतिन ने कब्जा कर लिया था और तभी से वो इसका इस्तेमाल हथियार डिब्बों की तरह कर रहे हैं। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि क्राइमिया को रूस से छीनने के लिए जेलेंस्की ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में जेलेंस्की की सेना ने उत्तरी क्राइमिया के शहर जेंकोई को निशाना बनाया और वहां के रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन को ड्रोन से मिसाइल दागकर उड़ा दिया, जिससे पूरा इलाका थर्रा गया। यूक्रेन का दावा है कि उस ट्रेन में बड़ी संख्या में रूस की घातक कैलिब्र मिसाइलें थी जो ड्रोन हमले में तबाह हो गई। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें ड्रोन से मिसाइल गिरने के बाद वहां आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी के साथ जोरदार धमाका होता दिखा। इसके बाद वहां आग का एक बड़ा गोला भी उठता नजर आया और जेलेंस्की ने दावा किया कि इस हमले से रूस को बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि रूस की तरफ से इस हमले की कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि अगर ड्रोन अटैक की बात सच हुई तो फिर पुतिन इसका बदला जरूर लेंगे, क्योंकि पुतिन को सब कुछ मंजूर है लेकिन अगर उनकी शान यानी क्राइमिया पर कोई हमला करे तो ये उन्हें बर्दाश्त नहीं। इसीलिए पुतिन कई बार यूक्रेन समेत पश्चिमी देशों को भी ये धमकी दे चुके हैं कि अगर क्राइमिया पर कोई आंच आई तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकेंगे। कुछ रोज पहले ही रूस के एक विपक्षी नेता ग्रिगोरी येवलांस्की ने यह दावा भी किया था कि पुतिन सिर्फ डराने के लिए परमाणु हमले की धमकी नहीं दे रहे हैं बल्कि वो ऐसा कर भी सकते हैं। उनका यह भी दावा है कि अगर क्राइमिया को रूस से छीनने की कोशिश की गई तो पुतिन एटम बम का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। मतलब पुतिन की परमाणु धमकी को हल्के में लेना पश्चिमी देशों के लिए बड़ी गलती साबित हो सकती है, जबकि पश्चिमी मीडिया का कहना है कि जेलेंस्की अमेरिका की शह पर क्राइमिया को पुतिन से छीनने का मन बना चुके हैं और इसी वजह से वो लगातार क्राइमिया को निशाना बना रहे हैं। कुछ रोज पहले भी वहां के सेवस्तोपोल नेवल बेस और एक एयर बेस पर हमले की खबरें सामने आई थी। तब ये दावा किया गया था कि दोनों जगहों पर यूक्रेन की सेना ने ड्रोन से मिसाइलें दागी थी। इसी के बाद से ये आशंका जताई जा रही थी कि क्राइमिया पर जेलेंस्की बड़ा अटैक कर सकते हैं और अब यूक्रेन का दावा है कि उसकी फौज ने ड्रोन से मिसाइल दागकर पुतिन की कैलिब्र मिसाइलों के जखीरे को ही तबाह कर दिया। हालांकि ड्रोन अटैक से निपटने के लिए रूस ने वहां मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार रखे थे, जिन्होंने एक हमलावर ड्रोन को मार भी गिराया, लेकिन बाकी बचे ड्रोन ने क्राइमिया पर हमला बोलकर रूस को दहला दिया। मुंबई के नजदीक उल्हास नगर में उद्धव ठाकरे गुट की महिला कार्यकर्ताओं ने एक इमारत के भीतर जबरदस्त हंगामा किया और तोड़फोड़ भी की। आरोप लगाया कि वहां अवैध तरीके से जुए का अड्डा चलाया जाता है, जिसे बंद कराने के लिए उद्धव ठाकरे गुट की दर्जनों महिलाएं पहुंच गईं और तोड़फोड़ करने लगी। वहीं फर्नीचर समेत जो भी सामान रखे थे सबको तोड़फोड़ दिया गया। महिलाओं ने जुए के अड्डे बंद कराने की मांग की।